तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम फिर भी उठा के आते हो और भाई के पास? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। तुम फेमस किस लिए होना चाहते हो जरा मेरे को बताओ। नहीं तुम तो नहीं, मैं तो नल्ले हो, तुम तो मेरे को पता है तुम नल्ले हो। मैं फेमस किस लिए होना चाहता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मैं फेमस इसलिए होना चाहता हूँ कि भाई जिंदगी में अगर मैं कहीं भी जाऊं या कहीं कोई वीडियो बनाऊं, कोई मूवी बनाऊं या कुछ भी करूं, तो एक मीडिया मेरे पीछे भी घूमे, मेरे आगे पीछे घूमे, जिनको कि आजकल लोगों ने पेपराजी का नाम दिया हुआ है। भाई मेरे को पता नहीं किसने नाम दिया हुआ है, लेकिन भाई जो भी नाम दिया हुआ है ना भाई, यार साले क्या नाम रखा है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। भाई मेरे हिसाब से ना इनका नाम चुल रखना चाहिए, क्योंकि इनको चुल होती है कि बंदे क्या कर रहा है। इनको बताओ कि जो बंदे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो पेपराजी में जो बंदे जॉब कर रहे हैं, भाई तू क्या चाहते हो? भाई तुम्हें क्या चूला है, क्या जानना है तुम्हें उसके बारे में? अच्छा सारा ने ये बोल दिया, भाओ। अच्छा विकी कौशल जिम जाते हैं। अच्छा सबसे बेकार लोग हैं हम, जो हमने इनको फॉलो किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें चूल है ना, हमें चूल है कि सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं। अरे तो भाइयों के क्या हाल है? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मुझे पता है कि तुम्हें पैसों के थ्रू बुलाया जाता है, लेकिन भाई अगर तुम्हें पैसों के थ्रू बुलाया तो अगर मैं तुम्हें पैसों के थ्रू बुलाऊंगा तो तुम आ जाओगे? यार खुद ही बताना पड़ता है ना। ठीक से बताओ यार, तो खुद ही बताना पड़ता है किसको। जी मैं फलानी जगह लैंड कर रहा हूँ, आप आ जाइए। तो वो सब मोबाइल पोर्टल पत्रकार पहुंच जाते हैं। मैं जब तक नहीं जाऊं कि कोई मुझे एयरपोर्ट पर पकड़ ले, तब तक कोई नहीं। तो इनके ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इनके पीआर वाले उन सबको फोन करते हैं जी, फिर ये लोग पहुंच जाते हैं जी। बिजनेस है ना। अच्छा वो भाइयों आज मैं इनको ही रोस्ट करने वाला हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा, या तो इनकी तरक्की होगी या मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा। जिन जिनको लग रहा है तुम्हारा भाई स्मार्ट है, तो भाई एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज। कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो चलो भाइयों हम बढ़ते हैं आगे और हम मिलते हैं इन लोगों से, ये सबसे मिलवाते हैं, आज हम इनको मिलाते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सॉरी पर प्राजी से नहीं, चूल से मिलते हैं। दिशा म्यूजिक फिल्म सुबह मिलते हैं, सुबह में काम बजे आई नहीं रहे भाई, और सुबह का काम आ गई तो भेज देना तमन्ना, सिर्फ मुझे देखना है यहाँ पे। तो भाई तुम सबको पता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे नहीं पता मुंबई का क्या सिनेरियो चल रहा है, लेकिन भाई अगर मुंबई में कोई भी सेलिब्रिटी कहीं भी जा रहा होता है तो पेपराजी मुंह उठा के फट से उसके थोपड़े के सामने कैमरा ले आते हैं और बोलती है राशा जी मिठाई नहीं लाया। राशा जी राशा मिठाई नहीं लाया, ग्रेजुएशन कॉन्ग्रेचुलेशन। मानो या ना मानो लेकिन अगर बॉलीवुड का डिक्लाइन हो रहा है तो भाई मैं वो इन कारण से हो रहा है। तुम अगर सेलिब्रिटी के बारे में सब कुछ बता दोगे तो भाई मूवी देखने जाएगा कौन, जरा मेरे को बताओ। अब जैसे सपोज करो मैं इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी हूँ, व्हाट्सएप पे भी हूँ, मैं सब पे हूँ, तो तुम मेरे को यूट्यूब पे क्यों देखने आओगे? इसीलिए भाई मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो डाल रहा हूँ। मुझे पता है भाई तुम मेरे को देखने के लिए बावले हो रखे हो, लेकिन भाई मैं सिर्फ यूट्यूब पे आऊंगा। अगर भाई तुम्हें मेरे को देखना है तो भाई तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। बंद करो हाथ जोड़। और भाई अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ऐसे कंटेंट तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए लाता रहे तो भाई अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। इसलिए बोल रहा हूँ नल्लो सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, मेरी बात करो, तुम बुरा मत माना करो। माना तुम मेरे को तुम्हारे पास है, तुमको मेरे पास ही है भाई, जरा मेंटेन है। कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी हुई तो पहुंचिए मुंह उठा के सबके सब। मल्होत्रा के लिए कार रेडी है, इनको पता है इनका पैसा तो लगने नहीं, वो जो प्रोडक्शन हाउस है इनको चला रहे हैं वो पैसा लगाएंगे तो भाई ये चलेगा, उनकी दाल में कालापन निकाल ले। अरे भाई तुझे क्या मतलब भाई, उसने क्या पहना हुआ है, तुझे क्या करना है? तेरी फूफा की लड़की लग रही है, तेरे चाचा शादी कर रही है वो, भाई तुझे क्या करना है? इसलिए भाई बड़े बड़े लोग उठा रहे हो भाई, वो यहाँ पे शादी नहीं करते, विराट कोहली अनुष्का शर्मा शादी नहीं कर रही। उनको पता है भाई अगर मैं 100 बंदे बुलाऊंगी तो उसमें 60 पेपराजी होंगे। विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने कभी पेपराजी को बुलाया नहीं, उनको पता है भाई तुम कितने बोलो मुझे पता है। उन्होंने इसलिए मोबाइल में साइड रखे थे क्योंकि उनको पता है पेपराजी आएंगे और थोपड़े के सामने सबके कैमरा घुसा देंगे। बात तो सही है,
मुझे पता है कि सबके साथ ये मिस्टेक्स होती है, चोरी नहीं कर रहे लेकिन कमा रहे हैं, लेकिन भाई ये चोरी से कमी भी नहीं है भाई, बहुत आसान होता है। मेरे जैसे बंदे तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन भाई मेरे जैसे बंदा नहीं भाई, तुम्हें हर बंदे को क्रिटिसाइज करना चाहिए और तुम्हें अपना इंस्टाग्राम हैंडल ना डिलीट मार देना चाहिए। उल फातिमा हूँ, मेरे को फातिमा बोलो, फातिमा दीदी, आपा पापा क्या है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम चला क्या रहे हो। करीना जी, करीना जी यहाँ इस तरह इग्नोर, तो मेरी एक्स ने भी मेरे को जिंदगी में नहीं मारा जिस तरह तू इग्नोर हुआ है ना, पड़ेगा भाई सेल्फ रिस्पेक्ट की जो धड़िया तुम उड़ाते हो ना भाई, हैट्स ऑफ है यार। मैडम जी ने 100 रुपए का चश्मा लगा हुआ है लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि मैडम जी इनको इग्नोर मार रही है। भाई अगर तेरे को समझ नहीं आ रहा मैं तेरे को बता दूं, तू इग्नोर हो रहा है, तू नहीं चूल सारे इग्नोर हो, अपना नाम पेपराजी से हटा के प्लीज चूल रख सकते हो क्या? करवा ली बेइज्जती, बस ठुकवा लिया पैर, 200 रुपए के शूट के लिए पैर ठुकवा दिया, अब तेरा पैर मेरा थोपड़ा, ये क्या है भाई? ये जिस दिन तुम एक्टर एक्ट्रेस को भगवान बना दोगे ना भाई, तुम्हारा यही वाला सीन होने वाला है। इन लोगों को मोटिवेशन कहां से मिलती है मैं तुम्हें बताता हूँ, इन लोगों को मोटिवेशन कहां से मिलती है, इन लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि भाई जो 4 कमेंट आते हैं ना पूरे कमेंट सेक्शन में कि भाई दे आर लुकिंग गॉर्जियस, ओ माय गॉड, I wish I could be there. ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग इनको मोटिवेट करते हैं और इनको लगता है कि भाई चलो किसी और एक्ट्रेस के पास जाए उधर चुल मचाते हैं। अब मैंने पिछले 2 साल में देखा कि अब रेस्टोरेंट से निकलो या एयरपोर्ट से निकलो वो तो फिर भी ठीक है, अभी तो वर्स्ट हो गया जब मसाज करा के निकलो तो मैं उनके हाथ जोड़ लेता हूँ कि भाई ऐसे सोया हुआ निकला हूँ मैं, ये प्लीज आप बाहर मत डालो। कोई बंदा एयरपोर्ट से आ रहा है वहां घुस जाएंगे, कोई बंदा किसी की मैयत पे गया हुआ ये वहां घुस जाएंगे, कोई बंदा किसी की शादी में गया हुआ ये वहां घुस जाएंगे, कोई बंदा गुसलखाने से बाहर निकला हुआ है ये वहां भी घुस जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। थोड़े दिनों में सबके घर में घुस जाएंगे। बंदा सिर्फ मुझे देखना है यहाँ पे, बंदा सिर्फ मुझे देखना है यहाँ पे। तुम लोग कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो यार? आप धोती के लिए वेट कर रहे हैं? यस मैम, एक्साइटेड बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पक्का मैम, कुछ भी कैसे भी मूवी देखने जाना है हमें आपके लिए, सच में मैम बहुत प्यार करते हैं। मैम मत लगाइए, वैसे ही क्यूट देख रहे हो, मतलब मैम उतर के आराम से, बस इन लड़कियों को चढ़ा दिया अभी लड़कियां किसी का काट देंगी, अब वो बेचारा कहीं रो रहा होगा बैठ के, चोर ने सबटाइटल दे दिए जैसे कि पता नहीं मैं कितना बावलो रखा है लोगों को देखने के लिए। भाई किसी को किसी की जिंदगी में घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमारी वीडियो स्क्रॉल में आती इसलिए लोग तुम्हें देखते हैं। मुझे पता है कि इनको पैसों के थ्रू बुलाया जाता है, लेकिन भाई अगर पैसों के थ्रू तुम्हें बुलाया जाता ना तो भाई तुम पे लानत है। भाई तुमको क्या लग रहा है, तुम ये हाल चाल पूछने के बाद तुम कूल लग रहे हो? अगर अमिताभ बच्चन की टाइम ये पपराजी होते तो ये लोग तो उसका भूत ही बना देते जिस तरह से वो कॉन्ट्रोवर्सी में थे। पहले तो हम इनकी मूवीज देखे, फिर हम इनके दिनचर्या देखे, इनकी फ्यूचर न्यूज देखे। भाई हम जिंदगी में कुछ नहीं करे, बस हम इन्हीं के बारे में सोचते रहे क्या? भाई कुछ भी नहीं, इसी स्टार्ट हो जाती तो भाई थोपड़ा लेके अपना पहुंच जाते हैं शूटिंग करने। तो भाई चूल यहीं तक थी, ठीक था, लेकिन अब इसमें भी कॉम्पिटिशन हो गया। भाई जो चूल की टीम में काम कर रहे हैं, मेरा उनसे एक ही निवेदन है कि भाई तुम जिंदगी में कुछ और भी कर लो, तुम चोरी कर लो, लेकिन भाई ये हरकतें मत करो। मतलब ऐसे इग्नोर कौन होता है, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, तुम 200 रुपए के लिए भी बिक जाते हो। चलो भाई अपनी वीडियो मिल गई, चलो भाई हम चले पहाड़ में। और बताओ भाई, भाई कैसी लगी आज की वीडियो? मैं मिलता रहूंगा नेक्स्ट वीडियो के, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। और भाई सुनो इधर उधर उधर रुक जाओ, और भाई सुनो 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 इधर उधर उधर भाई, भाई 20 सब्सक्राइबर और रहते हैं, 500 करवा दो, मजा आ जाए। चलो भाई नल्लो, मैं भी नल्ला, मैं चला सोने, ठीक है भाई, मिलता रहूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।